हमारे चैनल पर गई थी स्ट्राइक, वो स्टोरी जाननी है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। 2000 years later. अरे बस बस बस, इतना तो हमारे चैनल को बने हो, टाइम भी नहीं हो जितना तुम पीछे चले गए हो। थोड़ा सा आगे। 2 weeks later. हाँ ठीक है। तो हे लड़के लड़को, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, घर में होगे, सेफ होगे, सुरक्षित होगे। तो कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही, इस बार वीडियो लेट क्यों है। तो जाने जहाँ जाने तो मना जाने मन, असल में मसला ये था कि हमारे चैनल पर गई थी स्ट्राइक, एक भी नहीं दो दो। अब जो लोग यूट्यूबर होने तो पता होगा अभी स्ट्राइक क्या बला होती है, और जो नहीं जानते वो कहते हैं ये की चीज़ है। तो स्ट्राइक वो चीज़ है जो एक बिलियनर कंपनी के लिए लॉस होता है, इसीलिए एक यूट्यूबर के लिए उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़ा लॉस स्ट्राइक होती है। तो सबसे पहले बता दूँ कि स्ट्राइक तीन किस्म की होती हैं। एक स्ट्राइक नॉर्मल होती है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी स्ट्राइक जिससे आपके चैनल पर इफेक्ट पड़ता है, और तीसरी स्ट्राइक जिससे आपका चैनल इस दुनिया से राम राम सत्य हो जाता है, फिर दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाता है, जो कुछ मर्जी कर लो आपको फिर वो नहीं मिलता। तो हमारे साथ भी कुछ यूं हुआ, तो हमने अपलोड की थी एक वीडियो ये वाली। तो आप लोग बोले कि वीडियो अपलोड की तो उससे क्या होता है। तो मैंने जब ये वीडियो अपलोड की थी तो उसी टाइम मुझे YouTube की तरफ से एक स्ट्राइक पड़ी, कॉमेडी गाइड लाई थी, भाई इस वीडियो में कुछ मसला है इसलिए वीडियो आपकी उड़ा दी गई है और आपके चैनल को स्ट्राइक दे दी गई है। खैर मैंने वो वीडियो फिर दोबारा री एडिट करके उसे अपलोड किया, और करते हुए वो वीडियो अप्रूवल हो गई और वीडियो अपलोड भी हो गई। जैसे ही को 3-4 घंटे गुजरेंगे उसके बाद फिर एक मुझे मेल आती है कि आपके चैनल से वीडियो फिर दोबारा उड़ा दी गई है। तो फिर मैंने मेल किया तो उन्होंने मसला बताया कि ये 18+ मतलब 18 से कम एज के वो बच्ची की वीडियो थी वो है। अब वीडियो क्या थी वो मैंने इंस्टा पर अपलोड कर दिया, अपने उधर जाकर देख लेना। खैर मुझे यूट्यूब ने जिसे ये भी साथ में बोला कि बेटा ऐसा है कि अब तुम्हारे चैनल पर 2 स्ट्राइक पड़ गई हैं तो आराम से बैठो। अभी आप लोगों में कुछ लोग बोलेंगे कि अगर चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई तो उससे क्या होता है। तो स्ट्राइक से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। स्ट्राइक वो चीज़ है, आपके सामने एक हलवे की प्लेट पड़ी है, आप खाओ तो भी ठीक, ना खाओ तो फिर भी कोई मसला नहीं है। और दूसरी स्ट्राइक वो है कि आप एम मैदे के पेशेंट और आपके सामने पड़ी है बिरयानी, और डॉक्टर ने आपको बंद किया कि आपने बिरयानी नहीं खानी, तो आप बिरयानी ना खाओ तो भी मरते हो और खाओ तब भी मरते हो। अब इसमें लॉजिक नहीं मान रहा लेकिन बना लेना। तो पहली स्ट्राइक से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना चैनल पर पड़ता है ना वैसे कुछ पड़ता है। दूसरी स्ट्राइक जैसे पड़ती है उससे आपके चैनल के जो अपलोडिंग ऑप्शन होता है, जैसे वीडियो आप अपलोड करते हो, वो बंद हो जाता है 2 हफ्तों के लिए। और उसके साथ साथ ये होता है कि आपके चांस होती है कि आपके जो चैनल के व्यूज़ होते हैं ना 50% वो अप डाउन हो सकते हैं, मतलब कम हो सकते हैं। सब्सक्राइबर्स थोड़ा मसला बन सकता है, आपके सब्सक्राइबर जो होते हैं वो रुक सकते हैं, पर अल्लाह शुक्र ऐसा कुछ मेरे साथ वो मसला नहीं बना है। और तीसरे जब स्ट्राइक पड़ती है उससे आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, हमेशा के लिए यूट्यूब से ख़त्म हो जाता है। अब मुझे यूट्यूब ने बोला कि बेटा 2 स्ट्राइक पड़ गई हैं, तीसरी पड़ी तो फिर तेरा चैनल राम राम सत्य हो जाएगा। तो अभी तो यह है कि सिर्फ चैनल के अपलोडिंग ऑप्शन बंद हुई है, वो 2 हफ्ते में ओपन होगी। अब मेरे पास है 90 दिन का टाइम। अब उन 90 दिन में अगर मुझे एक और स्ट्राइक पड़ती है तीसरी, तो मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। एक स्ट्राइक होती है 90 दिन में, मतलब मेरे एक स्ट्राइक पड़ी दोनों एक दिन पड़े हैं तो मतलब 3 महीने का मेरे पास टाइम है। अगर 3 महीने में मेरी तीसरी स्ट्राइक पड़ती है तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। उससे पहले मतलब अगर ना पड़े तो कुछ नहीं होगा, 3 महीने बाद स्ट्राइक ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी यह है कि हमें थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। तो वैसे उस वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन यूट्यूब आप क्या बोल सकते हैं यूट्यूब वाले को। तो अभी मेरे पास 90 दिन का टाइम है, अगर 90 दिन में मेरी तीसरी स्ट्राइक पड़ी तो फिर मेरा चैनल डिलीट होगा, नहीं तो फिर वैसे कोई मसला नहीं है। ना अभी चैनल के व्यूज़ को पर प्रॉब्लम बना है, ड्रॉप हुई है, ना हो सब्सक्राइबर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा चैनल उसी पोजीशन में है, बस ये है कि जो हमने बीच में 2 हफ्ते वीडियो नहीं अपलोड की है वो यह है। बाकी ये है कि आप लोग ऐसे प्यार देते रहना, सपोर्ट दिखाते रहना, इंशाल्लाह इन चीज़ों से हम नहीं घबराएंगे, हम पूरे मुकाबला करेंगे। तो वो किसी सच बोला है ना, जब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो तो बीच में बहुत सी मुश्किल भी आते हैं। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारी जो 5 साल की मेहनत है वो अभी रंग ला रही है इस चैनल के नतीजे में, क्योंकि हमारा चैनल जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है,
जितनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा। अल्लाह ने लाख लाख अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह इतनी इज्जत दे रहा है, लोग जान रहे पहचान रहे, मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई हम आपका चैनल देखते हैं, और काफ़ी खुशी होती है यार ये चीज़ सुनकर। क्योंकि हाँ, एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि लोग उसे जाने, इज्जत दें। तो हमेशा मेरी ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि अगर आपने इज्जत कमानी है तो अच्छे तरीके से कमाएं, गलत काम से गलत तरीके से तो लोग इज्जत कमाते हैं लेकिन वो उनकी लोग इज्जत करते नहीं हैं। अपने अच्छे तरीके से इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है, और फिर उस इज्जत को बरकरार रखना सबसे बड़ी चीज़ है, वो मुश्किल है। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर जैसे पहले वीडियो आ रही थी, हफ्ते में एक वीडियो आती थी, तो ऐसी आएगी। तो अगर आप लोग बोलते हो तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं 10 दिन में 10 वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर हमारे सब्सक्राइबर अभी हैं, मतलब 100 होने वाले हैं, सीधे बाद में चैनल चेक कर लें, अगर 100 होते हैं तो हम लोग एक चैलेंज करेंगे 10 दिन में 10 वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट में कि हम लोग चैलेंज करेंगे या ना करें। बाकी यह है कि वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे प्यार दिखाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ढेर सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।